वशीकरण वो होता है जो किसी भी स्त्री या किसी पुरुष को पाने के लिए, उनके प्यार को बढ़ाने के लिए, अपने वश में करने के लिए किया जाता है, अट्रैक्शन के लिए किया जाता है, उसे वश में करने के लिए वशीकरण किया जाता है। और ये बहुत आसान है। अभी हम आपको एक छोटा सा यंत्र बनाना सिखाएंगे और इस यंत्र को आपको जैसे बताएंगे आप वैसे करके अपने प्यार को अपने वश में तुरंत उसी दिन से करने लगेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो से बहुत सारे लोगों के काम होते हैं, आपका भी काम होगा अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे फेक वीडियो और गलत वीडियो भी लोगों ने डाल रखे हैं, तो आप उनके ऊपर ध्यान न दें। अगर आपको जेन्युइन लगता है तो आप एक मर्तबे इस उपाय को करके देखिए और करने के बाद में अपने प्यार को अपने वश में आप उसी दिन से होता हुआ देखेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। माता रानी के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से आप इस प्रयोग को करेंगे और आपको सफलता उसी दिन मिलेगी। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप वशीकरण कैसे कर सकते हैं, और इसमें आपको कोई भी मंत्र उच्चारण नहीं करना है, ना ही कोई आपको मंत्र करना है, ना ही कोई वशीकरण की पूजा करनी है। आपको अपने घर के अंदर बैठे हुए, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर रहता हुआ कोई भी इंसान हो, उसे आप अपने वश में बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, और वह आपके पास खुद मिलने भी चला आएगा, आपसे मिलने चला आएगा, और आपसे हमेशा के लिए वो बंधन में बंध जाएगा। अगर आप चाहें तो उससे विवाह भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो गई और आपकी पत्नी आपको मोहब्बत नहीं कर रही है, प्यार नहीं कर रही, तो उसके ऊपर भी आप इसी प्रयोग को कर सकते हैं। और अगर आप पत्नी हैं, आप अपने पति को अपने वश में करना चाहती हैं, क्योंकि आपका पति किसी दूसरी औरत की वजह से आपको तंग करता है या परेशान करता है या प्यार नहीं करता है, तो आप उसे भी अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे चैनल घरेलू तंत्र विद्या को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के घंटे को प्रेस करिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो मिल जाए। तो स्क्रीन पर देखिए, आपको एक नक्श में बनाता हुआ दिखा रहा हूँ, इसको आप इसी तरीके से बनाइएगा और इसमें कोई भी आप कमी नहीं छोड़िए। जिस तरफ जहाँ पर हमारा पिन चल रहा होगा उसी तरफ उसी तरीके से आपको वैसे ही वैसा करना है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। और करने के बाद में मेरे प्यारे भक्तों, जैसे मैं यहाँ पर बताऊँगा आप वैसा ही करिएगा। सबसे पहले इसको सीख लीजिए और आप बहुत आसानी से किसी भी स्त्री को अपने वश में कर लेंगे, बहुत ही आसानी से। इसमें कोई भी आपको पूजा नहीं करनी है, इसमें कोई आपको मंत्र उच्चारण नहीं करना है, और कहीं बाहर जाके आपको इस उपाय को नहीं करना है। आप अपने घर में, जिस घर में रहते हैं उसी घर के अंदर बैठ करके इस उपाय को करेंगे और इसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अब इसे आप कैसे करेंगे, देखिए ये बन के तैयार हो चुका है और इसमें आपने जैसे जैसे मैंने बताया आपने वैसा ही वैसा अगर कर लिया है, ये लगभग बन के तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे भक्तों, आप इसको चुपचाप सीधे ऐसे आपको तीन बनाने हैं, जैसा मैंने ये बनाया है इसी तरीके से आपको तीन बनाने हैं। सबसे पहला आप बनाएंगे मंगलवार के दिन, और उसके बाद में बनाएंगे आप शनिवार के दिन, और उसके बाद में फिर आप जब बनाएंगे तो आप मंगलवार के दिन बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले दिन आपको बनाना है मंगलवार को, फिर आपको शनिवार को, उसके बाद में फिर आपको मंगलवार को बनाना है, और तीनों दिन आपको ये अपनी तकिया के अंदर रखना है, ठीक है। मंगल वाला भी तकिया में रखेंगे, शनिवार वाला भी बनाएंगे तो भी तकिया में रखेंगे, और फिर मंगल वाला बनाएंगे, मंगलवार को बनाएंगे उसे भी अपनी तकिया में रखेंगे, और तकिया में रख के आप सो जाएंगे। दोस्तों, तुरंत पहले ही मंगल से आपको इसमें आराम मिलने लगेगा और वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इस नक्श को बना लेना है। जिस खाने में जो हम लिख रहे हैं आपको भी इसी तरीके से लिखना है, और इसे पूरा करने के बाद में जैसे हमने बताया है आप वैसा ही करेंगे, अपनी तरफ से इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी खाने में आप अपना और उनका नाम लिख सकते हैं, जहां पर मैं अभी नाम लिखूंगा, और ऊपर के इस खाने में आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, अब आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ध्यान से समझ लीजिए, और इसके बाद में आप उनका नाम वहाँ पर लिखेंगे। इस उपाय को अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि हाँ इस उपाय को हमें करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो पर कमेंट करके अपना नाम लिख के हमसे आज्ञा लेनी होगी, बिना आज्ञा लिए ना करें।